कोरोना काल की महामारी के बाद इंदौर में एक बार फिर से अपने रंग में रंग गया है। अपने मिजाज के अनुसार ही शहर में त्योहारों के रंग जमने लगे हैं। कोरोना के 2 साल बाद नगर की सबसे बड़ी चुनरी यात्रा में रविवार को धर्म प्रेमी जनता की अपार भीड़ ने फिर से साबित कर दिया कि इंदौर हर बात में नंबर वन है। फिर चुनरी यात्रा ही क्यों ना हो, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के सानिध्य में इस बार की चुनरी यात्रा पर्यावरण जागरूकता के संदेश के साथ निकली, जिसका शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया। यात्रा के लिए 2 किलोमीटर लंबी चुनरी में लाखों मोती जड़े गए हैं। कोरोना वायरस से राहत के बाद 2 वर्ष बाद इंदौर शहर में चुनरी यात्रा का आगाज हुआ, जिसने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित बीजेपी के दिग्गज नेता सम्मिलित हुए। बड़े गणपति से शुरू हुई चुनरी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्त शामिल हुए। विधानसभा 1 के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता द्वारा पर्यावरण जागरूकता व भारत को विश्व गुरु बनने को लेकर चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया। दरअसल इंदौर शहर में लगातार 13 वर्षों से पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता द्वारा बड़े गणपति से बीजासन माता मंदिर तक चुनरी यात्रा निकाली जाती है, जिसमें सम्मिलित होने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव इंदौर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 2.5 किलोमीटर लंबी चुनरी यात्रा की शुरुआत मातृशक्ति को नमन कर शुरुआत की। वहीं चुनरी यात्रा में बड़ी संख्या में माता बीजासन के भक्त व महिलाएं सम्मिलित हुए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विशाल चुनरी यात्रा निकाली जा रही है पर्यावरण के संरक्षण को लेकर, और ये इंदौर की सबसे बड़ी और विशाल चुनरी यात्रा है जो पूरे इंदौर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी है। तो पूरे क्षेत्रों से विभिन्न जगहों से श्रद्धालु और महिला इसमें भाग लेने आ रही है, और माँ बीजासन को 2.5 किलोमीटर लंबी चुनरी अर्पित कर रही है। पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जी के नेतृत्व में पिछले 13 वर्षों से निरंतर ये चुनरी यात्रा का आयोजन होता है। इसमें पूरे इंदौर शहर से नारी शक्ति, मातृशक्तियाँ बड़ी संख्या में शामिल होती हैं, और इस वर्ष पर्यावरण बचाओ का संकल्प के साथ में चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में माता बहनें इसमें सम्मिलित हुई हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि नारी शक्ति को प्रमुख स्थान देना, जैसे जिस प्रकार से हमारे देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला आदरणीय मुर्मू जी को बनाया है, उसी थीम पे नारी शक्ति और मातृशक्ति को सर्वप्रथम स्थान देते हुए सुदर्शन भाई चुनरी यात्रा का पिछले 13 वर्षों से आयोजन कर रहे हैं। पूरे शहर की सहभागिता रहती है, और जिस तरीके से हमारा इंदौर 6वीं बार नंबर 1 बना है और देश में 7 स्टार सिटी के रूप में स्थापित हुआ है, इसी तरीके उत्साह और संकल्पों का परिणाम ये है कि ये शहर हमारा पूरे राष्ट्रीय पटल पर उभरता जा रहा है। तो आज के इस अवसर पर, सप्तमी के अवसर पर जो नारी शक्तियाँ इस माता जी की चुनरी यात्रा में सम्मिलित हुई हैं, उन सभी के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं और पूरे शहर का मंगल हो, ऐसी कामना। तस्वीरों में दिखाई देने वाला यह नजारा इंदौर की विशाल चुनरी यात्रा का है, जो विगत 12 वर्षों से पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता द्वारा निकाली जा रही है। हालांकि कोरोना वायरस से राहत के बाद शहर में 2 वर्ष बाद फिर चुनरी यात्रा का आगाज किया गया, जिसमें हजारों माता के भक्त सम्मिलित हुए हैं। इस चुनरी यात्रा की खासियत यह है कि यह चुनरी 2.5 किलोमीटर लंबी है। वहीं चुनरी में लाखों की संख्या में मोती लगाए गए हैं, जो हजारों मातृशक्तियों के हाथों से मां बीजासन को भेंट की जाएगी। इंदौर में बड़े गणपति चौराहे से मां बीजासन मंदिर तक निकली चुनरी यात्रा में हजारों की संख्या में भक्त सम्मिलित हुए।